हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमल। मेरी चैनल फैशन लाइफ है, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबके पास पुराना शिफॉन साड़ी होता ही होता है। आप सबके पास होगा या फिर आपके मम्मी का भी साड़ी जरूर होता होगा। पुराने साड़ी को हम ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं और हम उसका कुछ भी यूज नहीं कर पाते हैं। किसी कारणवशत अगर हमारा साड़ी डैमेज भी हो गया तो भी वो ऐसे ही रहता है। हमें इच्छा होता है वो साड़ी पहनने के लिए, लेकिन हम पहन नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पुराने शिफॉन साड़ी को कैसे फिर से दोबारा रीयूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही साड़ियों से मैंने अपने दुपट्टा बना है, तो आप भी अपने पुराने शिफॉन साड़ियों से जरूर दुपट्टा बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए लास्ट तक, फिर अगर आपको ये कुछ भी यूजफुल लगा तो आप भी ऐसे ही दुपट्टा बनाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको ऐसे बांधनी दुपट्टा। आप देख सकते हैं ये एक बांधनी दुपट्टा है। ये जैसे कि ये शिफॉन साड़ी है, ये मेरे पास एक साड़ी था जिसे बहुत पुराना हो चुका है, अभी ये स्टाइल में नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको कट करके ये मैंने दुपट्टा बना दिया था और इसको साइड में मैंने फोल्ड करके स्टिच करवा दिया, जैसे कि ये मेरे लिए आसान हो गया दुपट्टा बनाने में। अभी इसको मैंने प्लेन ड्रेस हो, रेड ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है, या फिर येलो ड्रेस हो, इसके साथ मैं अभी ये कर पहन लेती हूँ। या फिर आपको अगर जीन्स और कुर्ती के साथ भी आप उसको स्कार्फ के हिसाब से स्टाइल करके बहुत डिफरेंट वे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था एक बांधनी साड़ी का। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला साड़ी हो, जैसे कि आपके ज्यादा हैवी वाला हो, तो आप उसको पार्टी वेयर के दुपट्टा बना सकते हैं। या फिर अगर छोटा सा जैसे कि थोड़े थोड़े एम्ब्रॉयडरी होता है, तो उस ऐसे जैसे अगर प्लेन साड़ी के ऊपर है तो आप उसको क्या करेंगे, एक सिंपल सा दुपट्टा बना सकते हैं। उसको भी आपने जैसे कि गोल्डन कुर्ती या फिर रेड कुर्ती इसी के साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये एक है यहाँ पे ये मेरा एम्ब्रॉयडरी हुआ है इस तरह का। तो ये नेवी ब्लू का है। ये बहुत मेरे बहुत बहुत अच्छे दुपट्टा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह का अगर आपके पास साड़ी है तो आप इसमें से भी दुपट्टा बना सकते हैं। तो ये था सेकेंड। फिर नंबर थ्री में आप लहरिया साड़ी देखी होगी। लहरिया साड़ी आपके पास अगर है तो आप उसमें से ही दुपट्टा बना सकते हैं। तो लहरिया साड़ी का मैंने दो दुपट्टा आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, आप ऐसे ऐसे शिफॉन वर्क में ऐसे एक है। तो इस तरह का अगर साड़ी आपके पास है तो आप ऐसे दुपट्टा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह का, तो बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के लिए। बहुत हल्का भी है और अगर इसको आपको जैसे कि आप ऑफिस वेयर के लिए यूज करेंगे तो एक कुर्ती के ऊपर जीन्स के साथ आप इसको स्कार्फ करके पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के लिए, बहुत अच्छा दिखाई भी देता है। तो एक तो आपके पास इस तरह का दुपट्टा जरूर होना चाहिए। तो ये एक है। फिर दूसरा है ये ब्लू कलर का। इसमें नेवी ब्लू और ऐसे सी ब्लू, दोनों ब्लू, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू दोनों में है ये कॉम्बिनेशन। तो इस तरह का अगर आपके पास साड़ियां है तो आप उस पे से भी यूज कर सकते हैं। तो ये था नंबर थ्री। फिर आप देखिए, अगर आपके पास प्लेन साड़ी है तो प्लेन साड़ी का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर वाला हो, मैं एक आपको दुपट्टा दिखाऊंगी जैसे कि ये वाला, आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर का ऐसे जरी वर्क है। तो अगर आपके पास इस तरह का प्लेन साड़ी है तो आप उसको भी, अगर नहीं पहन रहे तो आप उसे भी कट करके दुपट्टा बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है ये साड़ियाँ। तो ये साड़ियाँ अगर आप पहन सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहन रहे, पुराना हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है, तो आप इस तरह का रीयूज कर सकते हैं दुपट्टे के जरिए से। आप दुपट्टा करेंगे तो वो दुपट्टा बहुत आपका यूजफुल रहेगा और आप हर जैसे कि मिक्स मैच करके, या फिर आपके पास ऑरेंज कलर का है तो कोई भी ड्रेस के साथ आप इसको प्यार करके पहन सकते हैं। तो ये ऐसे ही कलर का नहीं है, मेरे पास ये है तो मैं ये दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और साड़ी है शिफॉन का तो आप उसमें से बना सकते हैं। तो ये था नंबर फोर। नंबर फाइव में आपने देखा होगा, हमने पहले ऐसे बीच में ऐसे वाला साड़ी आया था, ऐसे डबल कलर में इस तरह का वर्क वाला साड़ी आया था बहुत, और ऐसे बॉर्डर में भी आया था।
तो ये साड़ियों को क्या करते हैं, ये भी अगर थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो अभी ये ट्रेंड में नहीं है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं दुपट्टे में। तो दुपट्टा करने के बाद क्या होता है, आपका एक स्टाइल लुक आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे बॉर्डर रहता है, ऐसे बॉर्डर रहता है, जरी वर्क रहता है, और बीच में भी बॉडी में भी ऐसे ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क रहता है। तो ये आपको बहुत ऐसे पार्टी वेयर के जैसे आप पहन सकते हैं दुपट्टे के यूज करके, या फिर आप सिंपल से कहीं जा रहे हैं तो ये भी आपका एक हो गया। तो आप इस तरह का साड़ियों का भी दुपट्टा यूज कर सकते हैं। फिर नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैं दिखाऊंगी, अभी इसका मैंने दुपट्टा नहीं बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। आप इस तरह का कलरफुल मल्टी कलर का अगर आपके पास साड़ी है तो आप इसमें से बना सकते हैं। तो मैंने अभी सोचा है कि इसमें से दुपट्टा बनाऊंगी, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लेन कुर्ती, प्लेन व्हाइट कलर कुर्ती के ऊपर या फिर येलो कलर की कुर्ती के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे वाला अगर साड़ी आपके मल्टी कलर का है। ये साड़ी थोड़ा सा पहले ज्यादा ट्रेंड में था तो मैंने खरीदा था, लेकिन अभी तो ये अगर थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ मैं इसका भी एक दुपट्टा बना दूँ, ताकि ये बहुत ड्रेस के साथ आ जाएगा मैचिंग होके। तो इस तरह आप अगर आपके पास पुराना शिफॉन साड़ी है तो आप जरूर इसमें से बनाइए, क्योंकि वो ऐसे ही रह रह के खराब हो जाते हैं और ना कभी हम पहनेंगे ना इसको यूज करेंगे। तो आप ऐसे ही अगर उसमें से दुपट्टा बना देंगे तो आपका बहुत यूजफुल हो जाएगा साड़ियाँ। तो पुराना साड़ियों से आप ऐसे 6 दुपट्टा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, कैसे हम शिफॉन साड़ियों से दुपट्टा बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं शिफॉन साड़ियों का। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो आप जरूर मुझे बताएं, और ये वीडियो में से अगर आपको कुछ भी हेल्प रहा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद कि मेरे जितने सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और देखने के बाद आप जरूर लाइक करके जाइए। तो न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के पास लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।